आधा घंटा वार्तालाप। सोलह कला का क्लेरिफिकेशन, प्रैक्टिकली से दुनिया में देखा जाए तो सोलह कला संपन्न और कलाहीन कौन बनता है जो देखने में भी आता है? ज्योतिषी लोग पहले से बताए देते हैं केश तिथि तारीख को कलाहीन बनने वाला है और इसी तिथि तारीख को सोलह कला संपूर्ण बनने वाला है। इस दुनिया के लिए भी लागू होता है। वो कौन है? चंद्रमा है। और ब्राह्मणों की दुनिया में वो ब्राह्मण कौन है जो पहला पहला देवता बनता है? है? अरे ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है ना, तो देवता बनने वालों में कोई ऐसा भी तो होगा जो पहले पहले देवता बनता हो, वो कौन है? हैं? कृष्ण वाली आत्मा अभी भी देखने में आता है। कृष्ण वाली आत्मा देव आत्मा है, इसका कोई प्रूफ है क्या? क्या है प्रूफ? है, क्योंकि जो देवता होगा वो धारणा की वाणी सुनाएगा, भगवान होगा तो ज्ञान की वाणी सुनाएगा, असुर होगा तो अज्ञानता की बातें करेगा। कलाहीन बनेगा और कलाहीन बनाएगा। तो ब्रह्मा की सोल पहले पहले सोलह कला संपूर्ण बनती है। पहला पत्ता है वो सृष्टि का जो सोलह कला संपूर्ण बनता है। सतयुग की पहली पीढ़ी में उसके लिए खास गाया जाता है इस दुनिया में सोलह कला संपूर्ण और कलाहीन। कलाहीन कब बनता है? जब उसकी रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है तब कहते हैं कलाहीन, और जब रोशनी से भरपूर हो जाता है तो कहते हैं सोलह कला संपूर्ण। वो तो जड़ चंद्रमा है। हमें तो चैतन्य ज्ञान चंद्रमा की पहचान हो चुकी है। ये षष्ठ रूपी मांडवे में सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, सितारे भी हैं, परंतु वो तो हैं जड़ सितारे और ये हैं आत्मा रूपी धरती के चैतन्य सितारे, चैतन्य चंद्रमा, चैतन्य सूर्य। तो जिस चंद्रमा के लिए सोलह कला संपूर्ण गाया जाता है वो अकेला सोलह कला संपूर्ण बनता है कि उसकी पीढ़ी में और भी आत्माएं हैं जो सोलह कला संपूर्ण बनती हैं? हैं? अष्टदेव भी हैं जो पूरे ही सोलह कला संपूर्ण बनते हैं, उनको अष्टदेव कहा जाता है कि आठ भगवान कहा जाता है।
उनका देव ही टाइटल है, वो भी 16 कला संपूर्ण मानते हैं। तो जो ये 16 कला जो है एक मीजरमेंट है आत्मा की शक्ति का, आत्मा की रोशनी का। आत्मा जो स्वयं प्रकाशित है वो सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण होती है और कलयुग के अंत में कलाहीन हो जाती है। बाकी ऐसे नहीं है कि जैसे उन तथाकथित ब्राह्मणों ने क्लेरिफिकेशन दे दिया है, नृत्य कला, गायन कला, ऐसी ऐसी कलाओं के जो नाम दिए हैं वो तो दुनियावी कलाएं हैं। वास्तव में आत्मा की शक्ति का मीजरमेंट है 16 कला से, और कोई बात नहीं है। और पूर्व ज माने पहले पहले जिसने जन्म लिया वो हुए पूर्वज। तो टोटल धर्म कितने हैं, जितने दुनिया में बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं उतने ही धर्म हैं। जितनी दिशाएं हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और उनके कोण, तो 8 दिशाएं हुई। ये 8 दिशाएं ही अष्टदेव जो उनके पहले पहले पालना करने वाले बनते हैं। जब नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है तो नई दुनिया के फाउंडेशन में वो अष्टदेव उन 8 दिशाओं को कंट्रोल करने वाले बनते हैं। फाउंडेशन में ही 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई पड़ती है और ब्राह्मणों की दुनिया में दिखाई पड़ेंगी। अभी ब्राह्मणों की दुनिया चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, तमो प्रधान बनती जा रही है या सतो प्रधान बनती जा रही है? तमो प्रधान बनती जा रही है। तो तमो प्रधान बनने की निशानी क्या होती है? सत्व प्रधान की निशानी क्या होती है? सत्व प्रधान की निशानी है धर्म सत्ता राज सत्ता एक हाथ में, और तमो प्रधान की निशानी है धर्म सत्ता राज सत्ता अनेक हाथों में। तो चाहे बेसिक की दुनिया हो उसमें भी देखा जाता है जब तक ब्रह्मा बाबा मम्मा जीवित रहे तब तक सारे ब्राह्मण परिवार का संचालन माउंट आबू से ही होता था, वहीं से डायरेक्शन सारे निकलते थे। लेना देना सारा कहां से होता था? माउंट आबू से। और जैसे ही मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा उसके बाद रावण आया और अपना अपना जोन अलग अलग कर लिया, जोनल इंचार्जेस बन गए 69 में, और अलग अलग राजाइयां देखने में आ गई। ऐसे ही
एडवांस में भी जो आदि में हुआ वो सब अंत में भी देखने में आवेगा। अभी भी एडवांस की दुनिया में अलग अलग पार्टियां अपना अस्तित्व बना रही है या नहीं बना रही है? अलग अलग पार्टियां एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में अपना अपना अलग अलग अस्तित्व बना रही है या नहीं बना रही है? बना रही है। हाँ, अभी अपरिपक्व स्टेज में है। ऐसा भी टाइम आएगा कि वो राजाइयां परिपक्व स्टेज में सामने आ जाएंगी। तो उनका, उन राजाइयों का मूल मुखिया तब क्लियर हो जाएगा जब परिपक्व स्टेज में आवेंगे। अभी मूल मुखिया दिखाई नहीं पड़ता है तो उनकी परिपक्व स्टेज भी नहीं है। तो जो 8 दिग्पाल हैं, जो शास्त्र में गाए हुए हैं, वो यही अष्टदेव हैं। आठ अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। हाँ, ये बात दूसरी हो सकती है कि कोई राहु के सहयोगी देखने में आवेंगे, शुक्राचार्य के सहयोगी देखने में आवेंगे और कोई बृहस्पति गुरु के सहयोगी देखने में आवेंगे। अच्छे और बुरे, राइटियस और लेफ्टिस्ट, दो ग्रुपों में बट जाएंगे। तो अष्टदेवों में से 4 हैं रुद्रमाला से और 4 हैं विजयमाला से। 4 जोड़े होंगे और बाप होगा बीच में। क्या 9वां भी गाया हुआ है कि नहीं गाया हुआ है? वो है वैल्यूलेस। तो 9 में से 8 निकाल दो एक तरफ, उनकी मुंदरी बनाई जाती है, चारों तरफ वो 8 रत्न दिखाए जाते हैं और बीच में बाप को दिखाया जाता है। तो कहेंगे कि बाप हो गया उन सब का बीज, 8 का। जो लास्ट वाला रतन है वैल्यूलेस है या कहें नास्तिक है, उसका भी बीज कौन है? है बाप। जो इस्लाम धर्म का पूर्वज है उसका भी बीज कौन है? उसका भी बाप। माने जो 8 है उन 8 का बीज है मूल बाप। तो जैसे 8 धर्म पिताएं हैं, जो खास खास गिने जाते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, आस्तिक कहे जाते हैं, उनका भी बीज बाप है। और जो लास्ट वाला नास्तिक है उसका भी बीज बाप है। इसलिए मुरली में बोला है भारत इस समय है पूरा नास्तिक। पूरा नास्तिक माने नास्तिक और आस्तिक का अर्थ क्या है? नास्तिक माने जिसकी किसी के ऊपर आस्था न हो, और आस्तिक माने जिसकी कोई के ऊपर आस्था हो।
जो प्रजापिता है जब तमो प्रधान बनता है तो उसकी किसी के ऊपर आस्था रहती है, है? शास्त्रों में भी गाया हुआ है, प्रजापिता जब तमो प्रधान बना तो भगवान को भी गालियां बकने लगा। सर काट दिया। तो दुनिया का अच्छे से अच्छा और दुनिया का बुरे से बुरा संस्कार अगर देखना हो तो किसमें देखें? एक बीज है सारी मनुष्य सृष्टि का, वो 100% तामसी भी बनता है और 100% सात्विक भी बनता है, बाकी उससे 8 और बीजों की पैदाइश होती है। तो ये वैरायटी धर्मों का झाड़ तैयार होता है। जैसे कोई झाड़ होते हैं खास करके बरगद का ही या पीपल का, तो उसमें नीम भी पैदा हो जाता है, आम भी पैदा हो जाता है, पाकर भी पैदा हो जाता है, कई प्रकार के वृक्ष एक ही वृक्ष के तने से निकल आते हैं। ऐसे ही ये एक बीज है सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। और 8 उससे अलग अलग प्रकार के अलग अलग धर्मों की डालियां निकलती है। ऊपर से आने वाले जो धर्म पिताएं हैं वो हैं अपने धर्म के पक्के, और जिसमें प्रवेश करते हैं वो हैं अपने धर्म के कच्चे भारतवासी। तो जो कच्चे हैं वो हैं आधार मूर्त जड़ें, उन जड़ों को जन्म देने वाले ये अष्टदेव हैं। तो कहेंगे दूसरे दूसरे धर्मों में उन बीजों से ज्यादा पुराना कोई होता ही नहीं। हाँ, टोटल मिला के सब प्रकार के जो बीज हैं और धर्मों के, उन सब का बीज एक बाप है। और अष्टदेव जो हैं यज्ञ के आदि में भी थे और उन्होंने ही आधार मूर्तों जड़ों को जन्म दिया है, क्योंकि जड़ों से पहले होता है बीज। और क्या हुआ, भाग रहा है क्या? हाँ, अरे भाग जाएगा क्या? बैठ 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 बैठ। भूख लगी नहीं ना? हाँ, उपन्यास बताएगा। उपन्यास 108 उपन्यास, ये क्या बात, कोई समझ में आई कोई बात? क्या पूछ रही है? उपनिषद उपनिषद हैं अनेक प्रकार के। हाँ जी, ठीक है। और उप माने नजदीक, निषद माने बैठने वाले, जो गुरु के नजदीक बैठने वाले हैं उनको कहते हैं सन्मुख बैठने वाले।
बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले टोटल कितने बच्चे हैं जो राजा ही प्राप्त करते हैं? बहुत नजदीक रहेंगे तो नजदीकी के संस्कार आएंगे, संग का रंग लगेगा। दूरबाज खुशबाज होंगे तो उतना संग का रंग नहीं लगेगा। ब्रह्मा बाबा को शरीर छोड़ने के बाद अभी सूक्ष्म शरीर में है, हमेशा थोड़े ही सूक्ष्म शरीर में। हाँ, कभी रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करते हैं तो उनकी बीज रूपी स्टेज बन जाती है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा षष्ठ रूपी चक्र में पहले आएंगे, या उनको जन्म देने वाले जो बीज हैं पालना करने वाले वो पहले आएंगे, तो वो ज्यादा पावरफुल हुए ना। बाबा अभी वो ब्रह्मा बाबा के वो आत्मा का पूर्व जन्मों का स्मृति रहती है ना, ऐसे सभी आत्मा जो शरीर छोड़ते हैं जब देहबान होता है तो पूर्व जन्मों की स्मृति उतनी नहीं रहती है। देहबान पूरा ही खता खलास हो जाएगा तो पूर्व जन्मों की स्मृति भी आ जाएगी। हाँ, तो क्या पूछ रहे हैं आप? सभी आत्मा जो शरीर छोड़ते हैं सबको स्मृति होती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जो शरीर छोड़ रहे हैं, हाँ, लौकिक दुनिया में भी, लौकिक दुनिया में भी जो शरीर छोड़ते हैं उनको पूर्व जन्म की स्मृति रहती है क्या? माना दूसरे जन्म लेने तक उनका स्मृति? कोई जरूरी नहीं कि उनको पूर्व जन्म की स्मृति रहे ही रहे, कोई को रहती है, सात्विक आत्मा है तो रहेगी, नहीं है तो नहीं रहेगी। कोई तो ऐसे होते हैं कि जिंदा में ही अपने पूर्व जन्मों की बातें बताते हैं। और अमृत वेला की विशेषता के बारे में बताओ। जैसे कोई फसल बोई जाती है तो फसल हमेशा बोई जा सकती है या उसका कोई खास मौसम शुरू होता है? है खास मौसम शुरू होता है और शुरुआत के मौसम में जो बीज डाला जाता है वो ज़्यादा फलीभूत होता है, और जब मौसम खलास होने लगता है, समाप्त होने लगता है, फिर बीज डाला जाता है तो उतना फल नहीं देता है। ऐसे ही ये अमृत बेला एक प्रकार का फाउंडेशन बेला है। इस फाउंडेशन बेला में हम जो भी संकल्पों का बीज डालते हैं वो पावरफुल होता है। मान लो हमने बीज रूपी स्टेज का फाउंडेशन डाला अमृत वेला में ज्यादा, तो हम निसंकल्पी पहले बन जाएंगे। निसंकल्पी बनना माने किसके नजदीक पहुंचना है? शिव बाबा की नजदीक पहुंचना, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो अमृत वेला कहो या पुरुषोत्तम संगम युग कहो, बात एक ही है। वो है बेहद का पुरुषोत्तम संगम युग, और यह है रोज रोज का संगम, क्या? अमृत वेला। कल का दिन पूरा हुआ और आज का दिन शुरू हुआ। हम रोज रोज पुरुषार्थ का अपना घड़ा भरते जा रहे हैं, तो अगर अच्छा पुरुषार्थ करना है तो अमृत वेले का फाउंडेशन अच्छा डालना चाहिए, तो सारा दिन सुहाला बना रहेगा। तिरसठ जन्मों का हिसाब किताब, हाँ। अगर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी
तो चाहे अमृत वेला हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, कोई की याद नहीं आएगी। हाँ, अमृत वेला ऐसा टाइम है जहां हम जितना ही पुरुषार्थ ज्यादा करना चाहते हैं उतना ही 63 जन्मों के हिसाब किताब जल्दी जल्दी आएंगे, तो अच्छा है ना, जल्दी जल्दी हम क्रॉस कर जाएंगे। हिम्मत हार के बैठ जाना चाहिए क्या है? नहीं, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना चाहिए। वैसे भी जितना ज्यादा कड़ा माया का वार हो उतने ही कड़ा पुरुषार्थ शुरू कर देना चाहिए। तो हमारे कड़े पुरुषार्थ करने के संस्कार पड़ जाएंगे, तीव्र पुरुषार्थी के संस्कार पड़ जाएंगे। इतना तीव्र पुरुषार्थी के संस्कार भी पड़ सकते हैं कि हम एक जन्म में ही सिपाही से सम्राट बन सकते हैं। तो अच्छी बात है ना, इसलिए बोला है अगर अमृत वेला सुधारा तो सब सुधर जाएगा। अमृत वेले की विशेषता के बारे में जानते तो सब हैं, लेकिन जानते हुए भी अलबेले भी सब हैं। कोई न कोई बहाना पूछा जाए तो बता देंगे, ये परेशानी वो परेशानी, ये समस्या वो समस्या है। अरे तो बाबा डायरेक्टर नहीं है ड्रामा का, रंगमंच का। हाँ, आप रंगमंच पर रिहर्सल करने आए हैं और डायरेक्टर आपसे रिहर्सल करा रहा है तो खेल खिलाएगा नहीं? हाँ, और चंद्रमा हिंद महासागर नहीं, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर है, प्रशांत महासागर। हाँ जी, तो आकाश पे है सागर, धरती पे चंद्रमा ऊपर है। हाँ, पृथ्वी का कोई हिस्सा टूटेगा तो पृथ्वी का जो पत्थर है, ईंट पत्थर और मिट्टी है, वो अलग होगा या पानी अलग होगा? है? पानी तो पृथ्वी की तरफ खींच जाएगा, क्यों? लिक्विड है, और जो पत्थर है वो पृथ्वी की परिधि से अलग हो गया, और फिर भी पृथ्वी के आकर्षण में है, इसलिए पृथ्वी के आसपास घूमता है, पृथ्वी का ही उपग्रह है। पृथ्वी पर ही है, 7 सागर हैं, उनमें सबसे बड़े सागर का नाम है प्रशांत महासागर। अमेरिका और एशिया के बीच में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और एशिया, इनके बीच का जो हिस्सा है वो प्रशांत महासागर कहा जाता है। चलो।